अगर आप भी अपनी फेसबुक को लॉगिन कर रहे हो उसके बाद आपको ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, जैसे ही आप अपना आईडी पासवर्ड तो डाल देते हो, उसके बाद जैसे ही आप डाल देते हो उसके बाद यहाँ पे लॉगिन कोड मांगता है और लॉगिन कोड आपके पास है नहीं। तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे कि आप अपने फेसबुक अकाउंट को लॉगिन कर सकते हो और यहाँ पे लॉगिन कोड भी डाल सकते हो। ये लॉगिन कोड आपको कहाँ पे मिलेगा वो भी बताने वाला हूँ। तो सारी चीज़ आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। तो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो कर दिया। सो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपके मोबाइल में जीमेल होगी, उस जीमेल में आपको आ जाना है। आने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ से आपका जो आइकन है प्रोफाइल का इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके जो भी जीमेल आईडी है उसका यहाँ पे मैनेज योर अकाउंट गूगल अकाउंट होगा, इस पर क्लिक कर देना। जैसे आप लोग मैनेज पर क्लिक करते हैं उसके बाद ये वाला पेज आ जाता है। तो आपको करना क्या है, सिक्योरिटी पे आ जाना है। आने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको करने के यहाँ पे टू स्टेप वेरिफिकेशन देखने को मिलेगा, इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। अगर आपने टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन नहीं कर रखा है तो इसको आपको जरूर ऑन कर लेना है, ये आपके अकाउंट को प्रोटेक्ट करता है। तो उसके बाद करना क्या है, यहाँ पे अपना पासवर्ड आपको डाल देना है। तो मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, उसके बाद आगे आपको बताता हूँ। जैसे आप लोग पासवर्ड डाल लेते हो उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। तो आपको करने के थोड़ा नीचे आओगे जैसे आप, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑथेंटिकेटर ऐप, जो कि आप देख सकते हैं। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, जैसे आप लोग क्लिक कर देते हो उसके बाद ये लोडिंग लेगा और आपको अगले पेज पर ले जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा आ रहा है सेटअप ऑथेंटिकेटर। अगर आपको यहाँ पे सेटअप ऑथेंटिकेटर लिखा आ रहा है तो आपको करने का जितनी भी जीमेल आईडी है आपके मोबाइल में सब में चेक करना है। किसी में आपको चेंज ऑथेंटिकेटर लिखा आएगा तो आपको करना क्या है, उस चेंज पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा आएगा सेटअप ऑथेंटिकेटर, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक कर देते हो उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा, ये वाला क्यूआर कोड आएगा। तो आपको करना क्या है, कांट स्कैन इट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको एक कोड मिलेगा जो कि आप देख ही सकते हैं, ये वाला कोड जो कि कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, इसको आपको कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद आपको करना क्या है कि आपको आ जाना है होम स्क्रीन पर और यहाँ पर आपको जाना है प्ले स्टोर पर, और यहाँ से आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा जो कि आप देख सकते हैं, गूगल ऑथेंटिकेटर। मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है। उसके बाद आपको सिंपली इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आप स्कैन क्यूआर कोड भी कर सकते हैं, जो कि हमको क्यूआर कोड मिला था लेकिन हमने क्यूआर कोड पर नहीं किया। आप नीचे एंटर ए सेटअप की पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद जो भी आपने मासिक जो भी कोड डाल कॉपी किया है वो यहाँ पे डाल देना। साथ साथ अकाउंट नेम में आप कुछ भी डाल सकते हैं, अपना नाम भी डाल सकते हैं, और साथ साथ इस पर ऐड कर देना। जैसे आप लोग ऐड कर देते हो उसके बाद यहाँ से आपको एक कोड मिलेगा, इस कोड को कॉपी करके आ जाना है आपको। जैसे आप लोग आ जाते हैं उसके बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पे आ जाना है दोबारा से अपने जीमेल आईडी में, और यहाँ से आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से जो आपने कोड वहाँ से कॉपी किया था उस कोड को यहाँ पे डाल के वेरीफाई कर देना। जैसे आप लोग कर देते हैं उसके बाद करना क्या है कि आपको दोबारा से अपने फेसबुक ऐप में जाना है और लॉगिन करना है। उसके बाद जो भी आपको लॉगिन कोड आएगा वो आपका यहाँ पे ऑथेंटिकेटर ऐप आपने अभी जो डाउनलोड किया था ये वाला, इसमें आ जाएगा। तो आप आसानी से अपने फेसबुक को लॉगिन कर सकते हैं। अब ये जो ट्रिक है ये 70-80% अकाउंट में ही वर्क करेगी, फुल अकाउंट में वर्क नहीं करेगी। तो अगर आपका हो जाता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।